हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। प्रदेश में आम जनता तो दूर, खुद विधायक भी सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहे। जहां बीजेपी से विधायक जगदीश नायर के कार्यालय पर करीब 10 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक विधायक के कार्यालय पर दिन दहाड़े फायरिंग होना एक सवालिया निशान छोड़ जाता है। आखिर फायरिंग की किसने और उनका मकसद क्या था? आपको बता दें कि अचानक हुए हमले से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मोहल्ले के लोग बाहर निकल कर आए तो देखा कि हमलावर अभी तो यहीं हैं। पब्लिक को देखकर जैसे ही इन हमलावरों ने भागने की कोशिश की, लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए चार हमलावरों को मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन पकड़े गए चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल कई खड़े हो गए हैं, आखिरकार ये लोग कौन हैं? वहीं मामले को लेकर विधायक जगदीश नायर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल हमारे कार्यालय पर छोटी मोटी घटना घटी थी। उस शरारती तत्व आके कार्यालय पर गाली गलौज करने लगे और पीछे से मेरे स्टाफ के लोगों ने उनको टोका टकी की, तो मुझे बताया कि उन्होंने गोली भी चलाई, जो बच गए लोग। और उसके बाद कॉलोनी वाले निकल के आ गए, उन्होंने कॉलोनी वालों ने उन्हें पकड़ के उनका जो है ना पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद मैं भी घर पहुंचा। मुझे यहाँ बहुत हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठा मिला, सारे लोग जो लेडीज जेंट्स सारे हमारे दफ्तर पर खड़े थे। भाई ये कैसे हुआ, अभी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हुआ कैसे है। इसकी तह में हम जाएंगे, पुलिस की जांच के लिए मामला गया हुआ है। कितने लोग थे? 15-20 लोग बताए जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। इनमें एक मैन जो बताया जाता है, उसका वो देश राज है, उसका लड़का बताया जाता है। वो पुलिस अब अपना काम कर रही है, जैसे भी निकल के आएगी सच्चाई वो आप सबको बताएंगे हम लोग। ऐसा तो नहीं राजनीति मुद्दों को लेके कुछ लोग आए, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाल निकलेगी। हम इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा हासिल करना चाह रहे हैं, क्या चाल है वो चाल देखेंगे, किसकी चाल है। लेकिन मैं इतना डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर उन्होंने किया है तो ये गलत कर दिया, वैसे इतना कहूँगा ये गलत कदम उठा दिया है, नहीं उठाना चाहिए था उनको। सर, ये जो जगदीश साहब विधायक के आवास पर जो गोली चली, क्या मामला पूरा? कल दिनांक 1/6/2024 को समय करीब 5:30 बजे सतपाल उनके कार्यालय में मौजूद था और दो लड़के जिनको ये नाम जानते हैं, देशराज और दीपक, और उसके साथ अन्य 10-15 लड़के बाइक पर सवार होकर आए और कार्यालय के पास छोटे गेट में घुस के और सतपाल पर जान से मारने के लिए से सीधा फायर किया। सतपाल ने जो दरख्वास्त जिस पर अभियोग मुकदमा दर्ज कर दिया है, अनुसंधान जारी है। तो इनको गिरफ्तार भी कर लिया, हिरासत में ले लिया? हाँ, इन्होंने चार लड़कों को मौके पर उन्होंने पकड़ा था, उनसे पूछताछ की जनता से सच्चाई जानने की पूछताछ की। कुछ बताया उन्होंने क्या मामला? नहीं, अभी तक की पूछताछ से उन्होंने कुछ ज़्यादा लाता नहीं हुआ, उनकी पूछताछ अभी। तो कितने राउंड गोली चली? गोली मौके का जो निरीक्षण है उसके अनुसार, जो मौका बता रहा है उसके अनुसार, दो गोलियों का दो दिगे निशान है दीवार पे। बाथरूम के साथ दीवार है, उस पर एक ऊपर एक नीचे, और एक सिक्का मिला है, एक और दो दिगे से सिक्के मिले। विधायक के कार्यालय पर इस तरह फायरिंग करना उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि अभी पुलिस उन चारों हमलावरों से पूछताछ कर उनके इरादे और साथियों के बारे में पता करने में जुटी है, लेकिन इस तरह के हमले ने लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया है। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।